पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक मकान का ताला तोड़कर चोर वहां से लगभग 14 लाख रुपए की ज्वेलरी, 2 लाख रुपए की विदेशी करेंसी तथा हजारों रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। घटना के समय पीड़ित परिवार दिल्ली में अपने बेटे के घर गया हुआ था। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 17 में एक मकान की है। घटना के संबंध में पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। क्या नाम है सर आपका? केसी गुप्ता। सर, चोरों ने चोरी की वारदात अंजाम दिया है, क्या है सर पूरा मामला? ये है जी, हम आज मॉर्निंग में 5:30 बजे अपने बेटे के घर दिल्ली से वापस आए थे, तो बाहर जो गेट मेन गेट का ताला लगा हुआ तो टूटा हुआ मिला, और जब हम अपनी मेन दरवाजे में घर के अंदर गए, दरवाजे में अपनी चाबियां लगाई तो वो चाबी लग गई। हमें लगा कि सब ठीक ठाक है, बट आके बाहर आके देखा तो हमारा जो ड्राइंग रूम का मेन दरवाजा था वो सब टूटा पड़ा था। उसमें समझ तोड़ के कोई somebody had entered एंड वेंटेड। हमारे दो अलमारियाँ हैं पीछे, दो बेडरूम्स की, दोनों में उन्होंने तोड़ के उसमें से जो भी वैल्यूएबल आइटम थे, वेदर इट वॉज गोल्डन ज्वेलरी, लॉकर भी तोड़े हैं, उसमें गोल्डन ज्वेलरी थी, सिल्वर ज्वेलरी थी, कैश भी था थोड़ा सा 40-45 हज़ार रुपया, प्लस फोन एक्सचेंज था अबाउट $2,000 के आसपास का, और ये इस तरह मिला मिलू के तकरीबन हमारा इट अमाउंट अबाउट 16 लाख रुपीज रफली एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दल दीज आइटम्स विच हैव बीन स्टोलन।